डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लगातार नई संभावनाएं तलाशी जा रही है। आने वाले समय में ये हमारे काम करने के तौर तरीकों को और भी बदल देगा। आजकल चैट जीपीटी की चर्चा तो आप सुन ही रहे होंगे, शायद आप में से बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल भी करने लगे होंगे। इसे गूगल का प्रतिद्वंद्वी भी माना जा रहा है। क्या आने वाले टाइम में चैट जीपीटी की वजह से गूगल की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी? ये सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी क्या है, ये कैसे आपको हेल्प पहुंचा सकता है और किस तरह से आने वाले टाइम में ये काम करने के तरीके को बिल्कुल चेंज कर देगा, ये सब आज हम आपको बताएंगे। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ये चैटबॉट आपके पूछे सवालों का बिल्कुल सही जवाब देता है। हालांकि कई बार इसके दिए जवाब आपके कंटेंट और एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग जरूर हो सकते हैं। चैट जीपीटी आने के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके आने से गूगल की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल के जरिए भविष्य में काम करने के तरीके भी बदल जाएंगे। तो क्या है चैट जीपीटी और किस तरह से ये आपको हेल्प पहुंचाएगा और किस तरह से ये चुटकियों में आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, चलिए आपको बताते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना काफी आसान है। ये लैंग्वेज मॉडल के लिए बनाया गया है जो कि काम करने के लिए चैट बॉट्स का इस्तेमाल करता है। और इससे भी खास बात ये है कि ये टूल बिल्कुल इंसानों की तरह जवाब देता है। आपको लगता भी नहीं है कि आप किसी सिस्टम पर काम कर रहे हैं या कंप्यूटर से काम ले रहे हैं। शायद इसीलिए चैट जीपीटी के 5 दिन के अंदर ही 1 मिलियन यूजर्स हो गए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये गूगल से किस तरह से अलग है। गूगल की तरह ये आपके सवालों के लिए आपको कई सारे लिंक्स नहीं देता है, बल्कि ये चैटबॉट आपके सवालों के सटीक उत्तर डायरेक्ट आपको दे देता है। जी हाँ, समझे आप? और अगर आप नहीं समझे हैं तो चलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। अगर आप कोई चीज गूगल करते हैं तो गूगल आपको उसके सॉल्यूशन में कई सारे लिंक्स देता है जिससे आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप चैट जीपीटी के माध्यम से अपने लिए डायरेक्ट कोई भी आर्टिकल लिखवा सकते हैं या अपनी समस्याओं के समाधान के विषय में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये आपको सीधा सॉल्यूशन देता है। इस टूल की मदद से आप अपने लिए किसी भी विषय पर चाहे तो कोई आर्टिकल लिखवा लीजिए। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई सवाल है, डायरेक्ट आप पूछिए और आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। चैट जीपीटी को 30 नवंबर के दिन लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद लाखों यूजर्स इसके साथ जुड़ने लगे। आपको बता दें कि चैट जीपीटी अभी भी टेस्टिंग फेज में है। आने वाले वक्त में इसमें और कई सारे सुधार किए जाएंगे। चैट जीपीटी की सफलता को देखते हुए ये भी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले टाइम में ये चैटबॉट गूगल को रिप्लेस भी कर सकता है। आप अपने ऑफिस के काम से लेकर बच्चों के स्कूल होमवर्क तक के लिए चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और आसानी से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के इंटेलिजेंस पर क्या असर करेगा, ये अभी बड़ा सवाल है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।